तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ग्राफिक कार्ड की। जी हाँ, जो ग्राफिक कार्ड है दोस्तों वो है जोटेक्स का 1016 3GB वेरिएंट वाला। इसको हमने MD कंप्यूटर से ख़रीदा है और जो इसकी प्राइस है मिली हमें MD कंप्यूटर वो मिली है 12,750 रुपया, जो काफ़ी डिस्काउंट में अभी ऑफर चल रहा है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और इसके फीचर बारे में जान लेते हैं। जो इसकी पैकेजिंग आई दोस्तों वो काफ़ी अच्छी आई और 5 लेयर में इसकी पैकेजिंग आई। तो ये मैं इसकी 5 लेयर आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, बाकी 4 लेयर मैंने पहले से ही ओपन कर लिया है। तो ये देख लीजिए, हमारे पास जोटेक्स का ग्राफिक कार्ड है, GeForce जोटेक्स 1016, ये जैसा कि इस पर लिख रखा है। 3GB रैम DDR5 का सपोर्ट करता है। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं और इसके क्या क्या फीचर मैं आपको ये इसके अंदर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको पीछे घुमाएंगे तो ये 1060 है, 3GB DDR5 का सपोर्ट करता है, 132 बिट मेमोरी बेस है, 4 HDMI है, 1 DVI पोर्ट है और Windows 10.8.7 को सपोर्ट करता है 32 इंच 64 बिट के अंदर। और इसके अंदर आपके कंप्यूटर में 400 वोल्टेज की पावर सप्लाई होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपको 6 GB रैम की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप सेवन और एट यूज़ कर रहे हैं तो आपको 4 GB में काम चल जाएगा। और इसको चलाने के लिए आपको PCI Express का होनी चाहिए, आपके जो कनेक्टर है दोस्तों 6 पिन का होना चाहिए और ये PCI Express X16 को ग्राफिकल सपोर्ट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों पास्कल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी प्राइस देखिए डिब्बे पे तो वो आपको कभी हैरान करेगी, जो इसकी प्राइस लिख रही है तो वो लिख रही है दोस्तों 25,380। वेल दोस्तों हमें MD कंप्यूटर की है 12,750 का मिला है, तो ये काफ़ी डिस्काउंट में चल रहा है दोस्तों। और अमेजोन पे कुछ ज़्यादा प्राइस है इसकी, शायद 15-16 हज़ार है, पर MD कंप्यूटर 3 हज़ार मुझे सस्ता मिला था, मैंने इसको वहाँ से ऑर्डर किया है। तो चलिए दोस्तों और भी इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब भी आप ऐसा ऑर्डर करें तो आप देख लें आपकी बॉक्स है उसकी सील बंद होनी चाहिए। अगर खुली हुई सील है तो आप वापस उसको रिटर्न कर दें और उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदें। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं हम। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा इसको कंप्यूटर में सेटअप कैसे करना है। पूरा मैंने सोचा पूरा ही वीडियो बना दी जाए एक में, सेटअप कैसे करना है, पुराने ग्राफिक जो ड्राइवर उनको कैसे हटाना है, नए ग्राफिक कार्ड कैसे डालना वगैरह वगैरह, सभी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं। तो ये बिल है दोस्तों, बिल के अंदर भी आप इसकी प्राइस देख सकते हैं 700। तो ये हमारा बॉक्स है दोस्तों, चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है, एक हमें एक CD मिली है और दो हमें मैनुअल मिली है, ठीक है। इसके अंदर इसके बारे में कुछ जानकारी दे रखी है कैसे कैसे इंस्टॉल करना है। और ये नीचे है हमारा ग्राफिक कार्ड जो ये काले रंग की थैली में है। 2 Molex केबल है दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में कनेक्टर्स कम है तो आप कनेक्टर्स को Molex में कनेक्ट करके और भी अपने कनेक्टर बना सकते हैं। और ये दोस्तों अंडे की ट्रे जैसा लग रहा है मुझे, इसका डिजाइन वैसे ही इन्होंने यूज़ किया। चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ग्राफिक कार्ड दोस्तों वो एक खुली जो हमारी ये पॉलीथीन है खुली हुई है, पैक नहीं है, खुली हुई पॉलीथीन के अंदर है। तो ये है छोटा सा और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके नीचे कोई रबड़ नहीं मिली, ये मुझे खुला हुआ मिला। मैंने देखा बहुत सारे लोगों क्योंकि यहाँ पर रबड़ भी आती है जिसमें ये पैक होता है, ठीक है। और ये इसके पीछे दोस्तों एक DVI है और 4 HDMI पोर्ट है, यानी 4 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं आप इसके साथ। वेल मैं एक ही करूँगा और इसी से कनेक्ट करूँगा, आपके जो मदरबोर्ड वाला उसको रहने देना, इससे कनेक्ट कर लेना। ये जोटेक्स लिख रखा है और ये इसका दोस्तों आप देख रहे हैं 6 पिन कनेक्टर है, ये 6 पिन को सपोर्ट करता है। वेल मेरे जो हमारे पावर सप्लाई है उसमें 8 पिन और 6 पिन दोनों के 200 सॉकेट अवेलेबल है, तो हमको Molex की जरूरत ही नहीं है। तो बस यही है दोस्तों, अभी इसको हम कंप्यूटर में कैसे सेट करना है ये आपको बताने जा रहा हूँ और कौन कौन से ग्राफिक हटाने हैं, कौन से लगाने हैं, सभी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। तो चलते हैं हम PC के अंदर। तो दोस्तों मैंने कंप्यूटर ऑन कर लिया है। आपका कंप्यूटर जो भी पुराना ड्राइवर हो, जैसे कि मेरे कंप्यूटर AMD का पुराना ड्राइवर है, तो उसको अनइंस्टॉल करना होगा। जो मेरा डिस्प्ले अडॉप्टर है वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं,
और अगर आपका कंट्रोल पैनल है आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपकी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर है दोस्तों उस पर राइट क्लिक करना है और मैनेज के अंदर जाना है। मैनेज के अंदर जाने के बाद में आपके सामने एक डिस्प्ले आएगी और उस पर लिख रखा होगा डिवाइस मैनेजर। इस पर जाना है और यहाँ पर एक जगह देखना आप डिस्प्ले अडोप्टर लिख रखा है और यहाँ पर आपका जो भी ग्राफिक कार्ड है ड्राइवर उसको अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, डिलीट चेक बॉक्स के साथ अनइंस्टॉल कर देना है। वेल, मेरी डिस्प्ले काली हो गई दोस्तों, क्योंकि ये करते ही आपकी डिस्प्ले काली हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो ड्राइवर है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये करने के बाद दोस्तों आप जो आपका टास्क मैनेजर है आप उसके अंदर देख लीजिए, ग्राफिक कार्ड तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरा कोई भी जीपीयू का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, यानी जो मेरे ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर है वो पूरी तरह अनइंस्टॉल हो गया है। तो भी आपको जो आपका नया ग्राफिक कार्ड है, जैसे हमारे पास GTX 1060 है, तो इसका ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। ड्राइवर आप डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल तो ये तब होगा जब आप ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं। ड्राइवर्स डाउनलोड करने के लिए आप टाइप कीजिए GTX drivers और एंटर दे दीजिए। एंटर देते ही जो फर्स्ट साइट होगी इसको आप पे क्लिक कर लेना है और इस पे क्लिक करने बाद में ये पूछेगा आपकी सीरीज। तो हमारे जो 10 सीरीज के है 10 पे क्लिक कर लीजिए। ग्राफिक कार्ड नाम पूछेगा, 1016 है। ठीक है, 64 bit है विंडोज, 3232 कर सकते हैं। उसके बाद में सर्च पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में देखिए ये वर्जन है दोस्तों, 10 सितंबर वाला, अगस्त वाला, तो हमारा सितंबर वाला है लेटेस्ट, तो इस पे क्लिक कर लो। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद ये 430 MB का डाउनलोडिंग हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो ये हमने यहाँ पर डाउनलोडिंग कर लिया है, ये देखिए ये हमारे यहाँ पर डाउनलोडिंग हो चुका है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने के बाद में पहले ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कैबिनेट के अंदर, फिर ये ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। अगर आप पहले इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये फील्ड बता देगा। चलिए पहले ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर लेते हैं कि ग्राफिक कार्ड कैसे इंस्टॉल करना है कंप्यूटर के अंदर। ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने के लिए सभी के सभी वायर आपके कैबिनेट से निकाल दीजिए, XYZ। ठीक है, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट आपको मतलब करंट नहीं आए। ठीक है, उससे करने बाद आप जो देख रहे हैं ना इसको हमको खोलना पड़ेगा। तो आप एक स्क्रू ले लीजिए और इसको खोल दीजिए। इसको पहले एक प्लास्टिक की जो पिन होगी उसको हटा लीजिए और उसको खोल दीजिए। और जो दोस्तों दूसरा पैनल है, कुछ के अंदर ये ओपन होता है और कुछ के अंदर ये हमेशा के लिए टूट जाता है, मतलब तोड़ना पड़ता है। तो हमारे अंदर इसको हमेशा के लिए निकालना पड़ेगा हमको, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमने इसको निकाल दिया है अभी, और अभी हम हमारा ग्राफिक कार्ड इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्लग है इसको ऊपर कर लीजिए और आपका ग्राफिक कार्ड इसके अंदर डाल दीजिए। अब देखो दोस्तों, ज़रूरी नहीं आपकी कट जैसी आवाज़ आए, क्योंकि किन किन में आती है और किन किन में नहीं आती है। तो जब मैंने इसको इंस्टॉल किया तो मेरी ये आवाज़ नहीं आई। बस इसको डाल दीजिए और जो नीचे वाला है ना उसको प्लग को वापस ऊपर कर लीजिए ताकि ये फिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसको फिट करने के बाद में जो ये स्क्रू है आपने उससे निकाला है इसको हम इसके ऊपर कस देंगे। ठीक है, जो आपके स्क्रू है उसको हम इसके ऊपर कस लेंगे। इसको टाइट लगाने के बाद दोस्तों आपके जो 6-pin कनेक्टर है वो हम इसके अंदर लगाएंगे। मैंने पहले कहा हमारे पास 8 भी है 6 भी है, तो हम 6 pin इसके साथ लगा लेंगे। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे अंदर जो तार है उनका मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा दिन पहले SSD लगाई थी, अब ये लगा रहे थे पूरे तार बिखरे हुए हैं। हम इसको बाद में जब सफाई करेंगे जब इसको ठीक कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने इसको लगा दिया है और इसको हम काट लेते हैं ताकि हमारे कुछ तार की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसको लगा लिया है, अब हम कंप्यूटर ऑन करके देख रहे हैं कि कैसा चलता है। तो चलता है, हम PC को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो हमारा PC है उसको ऑन कर लिया है, जैसे कि हमारा ग्राफिक कार्ड इसके फैन चल रहे हैं, यानी ये चालू है। चलते हैं PC के अंदर। तो दोस्तों हमारी सेटिंग के अंदर कोई भी GPU नहीं बता रहा है, तो हो सकता है हम जब स्क्रीन रिकॉर्ड करें तो जो हमारी स्क्रीन है वो ब्लैक आए। तो हमें सबसे पहले इसका जो ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर है 1016 का वो इंस्टॉल करना है। बस कुछ नहीं, हमें जो सेटअप क्लिक
डाउनलोड किया, उसमें डबल क्लिक कर लीजिए और डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सेटअप है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने जो दो बस मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करना दोस्तों, जो दो प्रोसेस है वो नहीं आ सकी क्योंकि जो डिस्प्ले अडोप्टर नहीं था अंदर ड्राइवर, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई काली काली हो गई। तो बस ऐसा आने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये ड्राइवर पूछ रहा है कि एक्सप्रेस करना है या कस्टम, आपको एक्सप्रेस पे क्लिक करना है। ये जो इसके ज़रूरत होगा ये वैसा ले लेगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी इंस्टॉल होने की। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ड्राइवर था वो इंस्टॉल हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ, सेटिंग में जाकर टास्क मैनेजर में जाना है, परफॉर्मेंस में जाना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है GPU NVIDIA GeForce 11% यूज़ आ रहा है 3 GB का, ठीक है। तो हमारा जो GPU का ड्राइवर है और GPU है दोनों सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।